Assalamualaikum, hello dear students, welcome again to this class. We are already talking about models, तो हम models की बात कर रहे हैं और जैसे कि आपको पहले पता अगर आप class 8, 9, 10th में और आपका exam होने वाला है March 2024 में तो grammar portion में ले रहा हूँ तो models जो कि हर एक class में है 8, 9, 10th में इसके बाद जो topics अलग अलग class wise होंगे वो भी हम उठाएंगे तो इस विंटर हम ग्रामर कंप्लीट करने वाले हैं तो कल हमने आरडी पढ़ा हुआ है हमने दो मॉडल उठाए एक तो हमने कैन और कुड कल हमने इन दोनों को डिस्कस किया कि ये कहां पे यूज थे पार्ट वन जो इसका था मॉडल्स का आज पार्ट टू है तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो मॉडल्स हैं उनके मतलब बात करेंगे आज हम पहले बात करेंगे मे और माइट के बारे में मे और माइट के बारे में आज बात करेंगे पहले तो मे और माइट कहां पे यूज होता है पहले हम बात करेंगे मे की जो मे होता है इसका पहला जो यूज है मे यूज होता है फॉर यूजिंग फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी जी हां मे यूज फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी तो जहां पे पॉसिबिलिटी होती है कोई काम होने की चांसेस होते हैं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वहां पे हम मे यूज करते हैं एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख लेता हूं जैसे हम कहते हैं 8 मे रेन टुडे 8 मे रेन टुडे यहां पे देखिए यहां पे जो ये मे यूज हुआ है इट शोज पॉसिबिलिटी हां भाई हो सकता है कि बारिश पड़े नहीं भी पड़ सकते हैं लेकिन पड़ भी सकते हैं पॉसिबिलिटी है वहां पे ठीक ठाक पॉसिबिलिटी है उसके लिए मे यूज करते हैं सो पहला जो यूज है मे का वो है पॉसिबिलिटी जो इसका दूसरा यूज है मे का वो होता है वो कहां पे हम यूज करते हैं परमिशन जी हां जहां पे हमें परमिशन मांगनी हो तो वहां पे हम मे का इस्तेमाल करते हैं हम्बल माना जाता है फॉर्मल माना जाता है बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है जहां पे एक फॉर्मली एक बिल्कुल हम्बल तरीके से आप परमिशन मांग रहे हो वहां पे मे यूज होता है जैसे अक्सर बेशतर आपने भी सुना होगा एज अ स्टूडेंट हम कहते हैं मे आई कम इन मे आई कम इन सर अगर आप क्लास में जा रहे हो तो आप कहते हैं मे आई कम इन सर तो यहां पे मे का यूज क्या है परमिशन यूज हो रहा है परमिशन दिखा रहा है यहां पे इसके अलावा मे आई ज्वाइन द क्लास मे आई ज्वाइन द पार्टी तो यहां पे भी परमिशन आप आस्क कर रहे हैं लेकिन हम्बल माना जाता है हमने कल भी पढ़ा कैन बी यूज द परमिशन के लिए बट दैट इज नॉट मोर फॉर्मल और हम्बल मे ज्यादा हम्बल माना जाता है ये ज्यादा पोलाइट वर्ड माना जाता है तो एग्जाम के हवाले से वहां अगर परमिशन का जो पूछा जाता है वहां पे मे ज्यादा यूज होता है और इंपॉर्टेंट बात परमिशन देने के लिए कैन हम यूज करते हैं कोई हमें पूछ रहा है हम्बली मे आई यूज योर पेन तो अगर आप कहेंगे यू कैन यूज योर माई पेन यू कैन यूज माई पेन तो परमिशन देने के लिए कैन यूज होता है लेकिन जब आप परमिशन मांगते हैं मोस्ट पोलाइट वर्ड जो मॉडल्स में है वो मे होता है तो यहां पे ये इसका दूसरा यूज है तीसरा यूज जो होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है मे का तो वो यहां पे हम लिखेंगे ब्लेसिंग जी हां ब्लेसिंग्स जब हम दुआ करते हैं किसी को जिसको प्रेयर करते हैं किसी के लिए कि वो कामयाब हो जाए उसको जिंदगी सारी खुशियां मिल जाए वहां पे भी मे का यूज होता है एग्जाम्पल यहां पे लिखेंगे हम मे गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू तो लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है मे गॉड ब्लेस यू ये क्या है ये दुआ है ये ब्लेसिंग है हम किसी को दुआ दे रहे हैं मे गॉड ब्लेस यू मे अल्लाह ब्लेस यू मे अल्लाह गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ तो जब भी हम किसी के लिए दुआ करते हैं उसको गुड विशेस देते हैं तो हमारा पहला जो यहाँ पे लगता है उसमें तो मे होता है तो ये तीन यूजेस मोटे मोटे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी दो बार आया था वहां पे लिखा था डैश डैश गॉड ब्लेस यू तो मे गॉड ब्लेस यू
हालांकि आगे हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो नाइन्थ में आए थे, एट्थ में आए थे एग्जाम में पिछले साल, मैट्रिक में आए थे मॉडल्स के हवाले से, वो भी हम यहाँ पे करेंगे इसी जो क्लासेस है इसी दौरान वो भी हम करेंगे। तो तीन यूजेस है पॉसिबिलिटी में कि इट मे रेन टुडे, ठीक ठाक पॉसिबिलिटी है जिसको हम 50-50 कह सकते हैं। दूसरा है परमिशन, पोलाइट वर्ड जो माना जाता है, हम्बल वर्ड में मे आई कम इन सर, तो ऐसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया। तीसरा ब्लेसिंग्स, जो दुआ होती है किसी के लिए, गुड विशेस देते हैं, तो वहां पे भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। तो ये तीन यूजेस इंपॉर्टेंट है इसके। अब माइट की बात करते हैं, हम बात करते हैं इसका पहला जो यूज है वो क्या होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी। जी हाँ, अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या होता है रिमोट पॉसिबिलिटी, अभी तो हमने पॉसिबिलिटी पढ़ा। रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स वेरी लीस्ट पॉसिबिलिटी, जब कोई काम होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं ना, तब हम उसको कहते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। और माइट वहीं पे यूज होता है जहां पे कोई काम होने के बहुत कम चांसेस हो। अभी हमने मे का पढ़ा, जहां पे ठीक ठाक 50-50% चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मे यूज करते हैं। लेकिन जब बहुत ही कम यूज जब बहुत ही कम चांसेस हो किसी काम के होने में, बहुत कम पॉसिबिलिटी हो, उसको हम कहते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। तो वहां पे माइट का यूज होता है। जैसे हम यहां पे एक सेंटेंस लिखेंगे, He might become, he might become the next president. तो सेंटेंस यहां पे देखिए और माइट यहां पे देखिए, सेंटेंस में लिखा ही माइट बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, तो बहुत कम चांसेस है उसके जीतने के, 10-15% आपको लगते हैं चांसेस हैं। आप कहते हैं ही माइट, देखिए एक्सप्रेशन से भी हम दिखा सकते हैं ही माइट बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, दैट मींस वी थिंक इट इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम चांसेस है, तो वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। और एक चीज आप ये रखेंगे, ये प्रेजेंट में भी यूज होता है और फ्यूचर में भी यूज होता है माइट, जब ये पॉसिबिलिटी हम बात करते हैं। तो ये एक मोटा सा यूज है इसका जो एग्जाम में पूछा जाता है।